2022 के दौरान विभिन्न उप पंजीकरण कार्यालयों में राजस्थान में राजस्व अपवंचना के मामले चिन्हित किए गए, जिनका विवरण परिशिष्ट है व व्यापार संलग्न है, परंतु यह राजस्व वंचना रजिस्ट्रेशन करने वाले व्यक्ति के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाने वाले व्यक्ति के द्वारा कूटरचित ई ग्रास चालान प्रस्तुत करने एवं संबंधित रजिस्ट्रार व उप रजिस्ट्रार के द्वारा उसकी समुचित जांच नहीं करने के कारण हुई है। सॉफ्टवेयर में किसी भी तकनीकी कमी के कारण नहीं हुई है। सॉफ्टवेयर में तकनीकी कमी के लिए विभाग के किसी कर्मी को दोष नहीं दिया जा सकता, अपितु कूटरचित ई ग्रास चालान की समुचित जांच नहीं करने के कारण हुई है। राजस्व वंचना के संबंध में अधिकारियों और कर्मियों को चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही दोषी कर्मियों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय आपसे जानना चाहूंगा, ये एजी का ड्राफ्ट पैरा बना और एजी के ड्राफ्ट पैरा में आपने प्रशिष्ट ए में कहा कि 103 प्रकरण 1,45,00,000 रुपए वापिस जमा हुए हैं जिन्होंने कूटरचित ई ग्रास चलान से पैसा कम जमा कराया, और दूसरे में आपने वसूली की प्रक्रिया 75,16,768 प्रशिष्ट बै में कही। तो अध्यक्ष महोदय, इस खुद ही ये कह रहे हैं कि इसके अंदर रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार द्वारा समुचित जांच नहीं की। जब समुचित जांच नहीं करने की बात स्वीकार कर रहे हैं और इतनी बड़ी राशि वापस जमा हो रही है, इतनी बड़ी राशि वसूलने की प्रक्रिया दी है, तो आप इनके विरुद्ध कार्रवाई कब तक करोगे? कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की? नंबर एक, आपके सामने ये जो ड्राफ्ट पैरा एजी का आया, ये ड्राफ्ट पैरा कब आया और विभाग ने इस पर अब तक क्या कार्रवाई की? अध्यक्ष महोदय, ये जो कुछ भी राजस्व वंचना रजिस्ट्रेशन कराने वाले व्यक्ति के द्वारा कूटरचित दस्तावेज पेश करने के कारण हुई है। ई ग्रास में ई ग्रास का जब चालान पेश किया जाता है, मिसाल के तौर पर कोई भी प्रॉपर्टी के दाम है, मान लीजिए 5,00,000 रुपए, अब उस पर टैक्स बनता 25,000 रुपए, उसने क्या किया कि 24,000 रुपए तो किसी और मामले में जमा करा रखे थे, उसकी रसीद थी उसके पास, उसके कागजात थे, और 1,000 रुपए और जमा करा दिया, दोनों को जोड़ करके जो है उसने वहां पर पेश कर दिया ई ग्रास में। ये कमियां, ये सारी जो कुछ थी उसके वजह से हुई है, खामी की वजह से नहीं हुई, सॉफ्टवेयर में कोई खामी नहीं है। अब सवाल ये आता है कि जिन लोगों, जिन रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार के द्वारा इनकी ये समुचित जांच नहीं की, उनको दोषित, उनको जो है चिन्हित किया जा रहा है, चिन्हित करके जो है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अब वो कार्रवाई जो है वो प्रोसेस में है सारी की सारी। अध्यक्ष महोदय, सवाल मेरा इतना था, अध्यक्ष महोदय आपको मालूम है कि एजी पैरा बहुत लिमिटेड बनते हैं और वो सैंपलिंग पैरा करते हैं। 2020 का मामला है, 2022 तक इस तरह का कार्रवाई इस तरह होती रही, और आप खुद कह रहे हैं जिनके जिम्मेवारी थी उसके एक ग्रास चलान की जांच करने, उन्होंने जांच नहीं की और पैसा भी आप वसूल कर लिया आपने 1,00,00,000 से ज्यादा, और अभी वसूलने की प्रक्रिया भी है। जब आपको मालूम है पैसा वसूल किया और प्रक्रिया भी है, तो फिर इसमें आपका, आपके सामने 224 मामले हैं और इसके अंदर 18 उपपंजीयन और उपपंजीयन है, तो आप इनको बचाना क्यों चाहते हो? अध्यक्ष महोदय, एजी का जो पैरा है वो 2022 से अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक प्राप्त हुआ है, अभी तो कुल मिला के तीन ही महीने हुए जांच चालू, 2000 प्रक्रिया चालू है। एजी का पैरा हमें अक्टूबर 2022 में मिला है, दो आप 2-3 साल की बात मत करो। आप तो अपना आप माननीय मंत्री जी, इनका कंसर्न यही है कि सुपरविजन नेग्लिजेंस तो है, तो सुपरविजन नेग्लिजेंस में कब कार्रवाई होगी उसका समय बता दे। बात करते हैं, चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है, नहीं समय 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 सीमा समय है कुछ जा रही है, समय भी साहब जितना हो सकेगा जितना कही है। अगला प्रश्न, शिकला चंद मीणा